लड़के को देखा, एक डॉक्टर को ही देख लो, डॉक्टर कहाँ गया वो, अरे MBBS कहाँ है, अरे वो साउथ इंडिया का MBBS कहाँ है, हैदराबादी नहाने गया क्या, नहीं कल रात को उसको कमर में दर्द था 14 साल से, उसका पुलिंदा बना दिया, उसको घबराहट होने लगी, यार दर्द ठीक ही नहीं हो रहा, MBBS MDO को ही दिखा रहा है, सारे हॉस्पिटलों में दिखाया है, MBBS ही है खुद और मेडिसिन का MBBS है। फिर क्या किया अगले ने, फिर उस बात को सोच लिया ज़्यादा और टेंशन हो गई, डॉक्टरों ने उसको डिप्रेशन सीजियोफ्रेनिया बताना चालू कर दिया। ऐसे डॉक्टर हमारी घबराहट का फ़ायदा उठाते हैं, हमारी घबराहट का हर कोई फ़ायदा उठाएगा। निर्भय हो जाओ, भगवान के जिम्मे सब कुछ छोड़ दो, भूल जाओ, फिर ठीक है आप ठीक कर लेगा वो। देखो मान लिया आपने किसी बताने वाले को पूछा करवा ली, वो चाहे बागेश्वर वाला ही था, वो बात क्या लिखेगा, पांच लाइन लिखेगा तुम्हारे बारे में, तुमने 5 लाइन का जीवन नहीं जिया है। कोई 50 साल की उम्र का जीवन जी चुका है, कोई 40 साल की उम्र का जीवन जी चुका है, चाहे वो पंडोखर वाला हो, वो 5 लाइन में आपकी चीजें बताएगा, बताएगा क्या, एक वर्तमान में जो आपको समस्या है, कि आपको जी ये समस्या जो वर्तमान में है ठीक है, एक वो उसके बारे में बताएगा, एक आपके घर वालों के नाम गिना देगा, दूसरा आप पे कोई कृपा है या आपके घर में कुछ घुसा हुआ है वो बता देगा, नहीं समझे, किसी ने कुछ किया हुआ है उसका नाम बता देगा, ज्यादा करेगा, आपकी उम्र का क्या रहा इसमें, आपके साथ 50 साल में जो बीता है क्या वो बता देगा कोई, बोलो है, मैं शर्त लगाता हूँ कोई मुझे मेरे पिछले 10 साल की घटना बता दे, बोलो, जबकि मैं तो सारी दुनिया के सामने रहा हूँ, 10 साल में मेरे साथ क्या क्या उठा पटक हुई है यही बता दे कोई, चलो बोलो कौन बताएगा, सारी दुनिया में कोई चैलेंज कर ले मेरे से, कोई आपके 2 दिन नहीं बता सकता। अरे मूर्खो ये समझ लो, तुम्हारे मन में भी आपके मन में जितने विचार हैं, एक दिन में जितने विचार आए चले वो ही आपको याद नहीं होते, दूसरा कैसे बताएगा तेरे मन में आज ये विचार आए, कोई तुम्हारे पिछले महीने के तुम्हें जो याद है ना 200 पन वो भी नहीं बता सकता जो याद है, और तो और बात अलग है, ठीक है, तो इसलिए भूल जाओ कोई तुम्हारे बारे में कुछ बताएगा, और किसी ने थोड़ा बहुत बता दिया उससे तुम्हारे जीवन का गुजारा नहीं होता, उससे सारे पाप ताप संताप नष्ट नहीं होते, आया तो केवल भगवान पे भरोसा रखो और निर्भय हो जाओ, आगे ना शरण ऐसी लो कि निर्भय हो जाओ मनु भैया की तरह, कि कोई भय ही नहीं है ससरा दुनिया का, कोई भय मानो ही मत, आगे होगा देखी जाएगी, आप बचा लेंगे, आपके ईश्वर आपका कोई भगवान होता है, वो मालिक होता है, ठीक है, वही आपको आपसे काम कराता है, वही आपका संचालन करता है, वही आपकी फिर देख रेख भी तो करेगा, और फिर उसने जो लिख रखा है उसको मेट कौन देगा बताइए मेरे को, तो किसी के डराने में नहीं आना है, किसी तांत्रिक से नहीं डरना है, कोई कहेगा मेरे अलावा कोई नहीं बचा सकता, ठीक है, तो आपको पता है एक बार एक राजा के सामने एक राजा को भय हो गया, उसके उसने बता दिया, उसका जो पुरोहित था कुल पुरोहित था उसने उसने बता दिया भाई राजा साहब आपकी मृत्यु निकट है, वो रात दिन चिंतित रहने लग गया, उसके सेनापति ने पूछा महाराज क्या हुआ आप बड़े चिंतित हो, और मैं देख रहा हूँ आपका दिन प्रतिदिन वचन घट, राजा सूखने लग गया, मरने की तरफ दौड़ने लग गया राजा, कि भाई अब तो मरा ही जाएगा क्या होगा ये वो, और उसने देखा हमारा पुरोहित तो ज्यादातर सच्ची वो निकालते, अच्छा अगले दिन दरबार लगा, अब राजा तो राजा है भाई, राजा को बचाने के लिए कुछ भी किया जा सकता है, उसके पीछे पूरी प्रजा है, दरबार लगा, पुरोहित भी वहीं थे, उसने कहा भाई हमारे राजा को एक दुख हो गया है सबके सामने, और वो दुख मृत्यु का, हमारे पुरोहित जी ने ये गड्ढा किया, वो सेनापति था ही, ठीक है, उसने बीच में पुरोहित जी को खड़ा कर लिया और पुरोहित जी से पूछा कि ऐसी क्या बात है जो आपने राजा को बताई, पुरोहित जी ने उनकी जन्मपत्री निकाल के गणना शुरू कर दी कि ऐसे ऐसे ये योग बनता है और राजा की इस समय तक मृत्यु हो सकती है और संभव है 99%, फिर भी किसी योग के कारण बच जाए तो बात अलग है, कि कोई कृपा हो जाए हम सबका आशीर्वाद लग जाए, तब उसने पुरोहित को कहा कि ये तो आपने महाराज का बताया, क्या आपको अपने बारे में पता है, तब उसने कहा हाँ मैं तो भाई 90 साल तक जीऊँगा, उसने तलवार निकाली 1 मिनट में राजा की गर्दन काट दी और राजा को ये बता दिया कि शोक को दूर कर दो निर्भय हो जाओ, आए ना समझ में, ये अपने को 90 साल तक जीवा रहा था ये मर गया, आप अभी मरने वाले थे आप 90 साल तक जियोगे, नहीं समझे, तो शोक को दूर कर लो, भगवान की शरण में चले जाओ, फिर कुछ ज्यादा नहीं सोचा जाता, आगे ना, एक भक्त था तो वो
नदी के पार रहा करता था। एक रात को वो माता का भक्त था, एक रात को उसकी माता मर गई, उसको पता चला मेरी माँ मर गई। कैसे पता चला? उसने स्वप्न में देखा, नदियाँ उफान पे थी, वो नदी में कूद गया और नदी के परले पार 1 किलोमीटर दूरी पे पहुँच गया। और फिर वो गांव में गया, उधर से उसने क्या किया कि अपनी माँ को दो लट्ठों पे बांधा और लेके आ गया वहाँ से, और फिर उफनती नदी में कूद गया। अब फिर इधर 1 किलोमीटर आगे लेके आ गया, और सवेरे तक उसने अपनी माँ का उस नदी के किनारे उस मंदिर के सामने दाह संस्कार कर दिया। ये उसकी आखिरी वो थी इच्छा कि मैं इसका दाह संस्कार करूं। लेकिन इस बात के लिए वो केवल भगवान पे निर्भर था, संसार पे निर्भर नहीं था। इसलिए जो उफनती नदी थी जिसकी तरफ कोई नहीं देख सकता था, उसमें वो 2 बार कूदा अपनी माँ को सबको लाने के लिए, और दोनों बार वो बच गया। एक बार तो वो सबके साथ, क्योंकि सब भी भारी हो जाता है, तो माँ का कुछ तो शरीर होगा 40-50 किलो का, और 2 लट्ठे भी होंगे, फिर भी वो तैर गया अपनी माँ को लेके आ गया इस पार, और उसने उसका वो कर दिया। ठीक है, तो वो काली माई की भक्ति करता था। बाद में काली माई के ही आदेश से उसने तारकेश्वर भगवान की भक्ति शुरू कर दी। ठीक है ना, एक रात को माता उनके सपने में आती है और कहती है, बेटा मैं तेरे से बड़ी प्रसन्न हूँ, तो जो मेरे इष्ट है शिव है, उनकी तारकेश्वर के नाम से प्रसिद्धि है, तो वो आपके तारक बनेंगे, आप उनका जाप करो, ध्यान करो, आप उनकी पूजा। ऐसे जब देवता किसी को पकड़ता है तो उसको श्रेष्ठता के मार्ग पे ले जाता है, और आगे और आगे और आगे, तब वो काली माई माता जो है उसको उसके सुपुर्द कर देती है तारकेश्वर के, भगवान तारकेश्वर के। और बाद में उसको ऐसी सिद्धि हासिल हो जाती है कि वो दुनिया के रोग ठीक करने लग गया था। कोई आदमी आता उसके सामने पड़ता, उसकी आंखों से आंसू गिरने लगते, और जैसे ही वो छूता उसको और उसका एक आंसू भी उस आदमी के ऊपर टपक जाता, वो बड़े प्रसिद्ध हुए थे वो महात्मा, तब वो आदमी बिल्कुल ठीक हो जा। ऐसे तो उस टाइम में, उस समय में, आज से लगभग 90 साल पहले 100 साल पहले उनकी प्रसिद्धि फैल गई थी साउथ के एरिया में, और तब उनकी जीवनी लिखी गई, तब किसी संत ने उनकी जीवनी लिखी और बाद में वो छपी। और जो वो संत थे वो संतों से जा के मिला करते थे, उनका नाम था महामहोपाध्याय गोपीनाथ कविराज जी। ये बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में बहुत साल तक इन्होंने अध्यात्म का विषय पढ़ाया लोगों को, और ये बड़े वो रहे, जैसे PhD डीलिट होता है वो रहे प्रोफेसर, और एक टाइम में बनारस विश्वविद्यालय के संचालक भी रहे। तो उन्होंने अपने हाथ से उनकी जीवनी लिखी थी। तब वो बताते थे, एक दिन मेरे ही सामने उन्होंने, एक व्यक्ति बड़ी पीड़ा में आया था और उसके रोग का हरण कर लिया। बोलो शनिदेव महाराज। इसलिए